रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस करना है। अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें मेजरली जो है 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, 7 ऐसे पॉइंट्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन हैं और एसेंशियल हैं। इनमें सबसे पहला टास्क जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, या आप ये कह लें कि कंप्यूटर की वो सिफ्त या वो खसूसियत जो है वो कौन सी है, वो है स्पीड। कि ये हर टास्क को या जो भी टास्क आप कंप्यूटर से परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ये उसको निहायत ही तेज़ी के साथ प्रोसेस करता है। उसके बाद है एक्यूरेसी, यानी कि दुरुस्त तरीका से ये हर टास्क को परफॉर्म करता है। उसके बाद डेलीजेंस है, डेलीजेंस के बाद वर्सटाइलिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑटोमेशन है और मेमोरी है। इनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करते जाएंगे जी। सबसे पहले है स्पीड। जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि कंप्यूटर जो है वो हर काम को, हर टास्क को एक निहायत ही तेज़ रफ्तारी के साथ प्रोसेस करता है, ठीक है। अ कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर्ड टू ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात की जाए, या इसके अलावा अगर कोई भी टास्क है जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है, वो इंसानों की निस्बत कंप्यूटर जो है वो उस टास्क को ज़्यादा बेहतर और तेज़ी के साथ परफॉर्म करता है, ठीक है जी। और कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर सकता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड के अंदर। यानी कि अगर एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर ने जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस को या हिदायत को प्रोसेस करना है, तो कुछ कंप्यूटर्स हमारे पास इस तरह के हैं जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, और कुछ तो इससे भी ज़्यादा जो है हैवी कैपेसिटी या हैवी प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखते हैं। उसके बाद द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज माइक्रोसेकेंड एंड नैनो सेकेंड। यानी कि माइक्रोसेकेंड या नैनो सेकेंड्स के अंदर कंप्यूटर जो है वो काम कर रहे होते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा स्पीड से ये काम करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी दूसरा अहम फैक्टर है, दूसरा अहम करैक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी, बिकॉज कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे होते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हुए आप जो है कंप्यूटर से जो भी काम करवाएंगे, जो भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, उसमें किसी किस्म का कोई एरर या इनकंसिस्टेंसी जो है वो, या इनएक्यूरेसी जो है वो नहीं आएगी। उसके बाद जी है डेलीजेंस। डेलीजेंस मीन कि आप कंप्यूटर से जो भी टास्क परफॉर्म करवाएंगे, या कंप्यूटर जिस भी टास्क को परफॉर्म करेगा, तो वो टास्क आप उसे जितनी मर्तबा प्रोसेस करवाएं, उसमें ना तो कोई गलती आएगी और ना ही कोई चेंजिंग आएगी। यानी कि वो एक ख़ास कंसिस्टेंसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ एक जैसा काम बार बार करता चला जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। और इस तरह से इंसान जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। जैसे कंप्यूटर कंसंट्रेट करता है और एक ख़ास एक्यूरेसी और एक ख़ास कंसिस्टेंसी के साथ एक जैसा काम कर रहा होता है ना कंप्यूटर, तो इंसान बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो एक जैसे टास्क को काफ़ी मर्तबा या एन नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो एक सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है, किसी भी टास्क को प्रोसेस कर रहा है, तो एक डेलीजेंसी के साथ करेगा। उसमें कंसिस्टेंसी आप देखेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो
इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी, बिल्कुल सेम वे से सेम एक्यूरेसी के साथ वो एक जैसे टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकता है। तो ये काम इंसान के लिए जो है वो कदरे मुश्किल है, और अगर यूं भी कहा जाए कि नामुमकिन है तो ये भी गलत नहीं होगा। यानी कि अगर आप फर्ज करें कि एक इंसान है, उसने एक टास्क को 1000 टाइम्स परफॉर्म करना है और जल्दी के साथ परफॉर्म करना है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई गलती या इनकंसिस्टेंसी जो है वो ज़रूर देखने में आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें वर्सटाइलिटी की, वर्सटाइलिटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है इस काबिल है कि आप इसको डिफरेंट तरह के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल में इसको इस्तेमाल कर लें, मैथ के शोबा में इस्तेमाल कर लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबा में आप इसको इस्तेमाल कर लें, या ज़िंदगी के किसी भी अहम फील्ड के अंदर आप अगर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लें, तो कंप्यूटर बिल्कुल उसी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो काम करेगा और अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तहत डिफरेंट काइंड के ऑपरेशंस आपके लिए परफॉर्म करता चला जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो एक वर्सटाइल डिवाइस भी है, वर्सटाइल मशीन भी है। उसके बाद है जी रिलायबिलिटी, कि आप इस पर रिलाय कर सकते हैं, एक ये अच्छी डिवाइस है, इसको आप डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस को ऑटोमेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे मैनुअल आपके जो प्रोसेसेस होते हैं उसको कंप्यूटराइज्ड वे से परफॉर्म करने के लिए भी आप कंप्यूटर को जो है वो यूज़ कर सकते हो। लास्ट पे है हमारे पास मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और इसमें जो है डिफरेंट काइंड्स का एसेंशियल डाटा स्टोर किया जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर में एक स्टोरेज भी होती है, ठीक है, जिसमें हम अपना पर्सनल फाइल्स रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो रख रहे होते हैं फोल्डर्स की सूरत में, ठीक है जी। तो सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम, दो इसमें चीज़ें आती हैं। कैश मेमोरी जो है वो आपकी एक किस्म की प्रोसेसिंग की डोमेन में कंसिडर की जाती है। उसके अलावा आप रिमूवेबल डिवाइसेस जो है आपकी, जैसे कि आपके पास अगर कोई यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, आपके पास कोई ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि डीवीडी वगैरह है, तो ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। मेमोरी कार्ड हो गया, आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, इंटरनल हार्ड डिस्क हो गई, यानी कि ये वो तमाम ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें आप अपना पर्सनल डाटा फाइल्स रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो रख रहे होते हैं। और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें आपकी रैम और रोम, ये दो चीज़ें जो है वो अहम होती हैं, ये उसमें कंसीडर की जाती हैं। इनकी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास मेमोरी का आइडिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।